बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज साथियों हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो मेरे पास में ये नोट्स है इनके बारे में जानकारी आपको देने वाला हूं। और इन नोट्स का अगर आपको PDF चाहिए, प्राचीन भारत के इतिहास के ये जो नोट्स है इनका PDF चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करें। और बाकी साथियों इन नोट्स के अंदर आपको प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए इन नोट्स में मिलेंगे वो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। उससे पहले साथियों मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से रामबाण साबित होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो सबसे पहले साथियों आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट से संबंधित एक ये डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की गाइड है। और आशा करता हूं साथियों आप समय का सदुपयोग करने के लिए आप कभी भी अपने जीवन में समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। जब समय को बर्बाद करेंगे तो साथियों आपको पता है आगे क्या परिणाम होने वाला है। अब साथियों इतिहास नेट JRF से संबंधित इस गाइड का रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब साथियों मैं कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तक दिखाने वाला हूँ कुछ समय के अंदर, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले साथियों ये है आधुनिक विश्व का इतिहास, जो कि साथियों इस पुस्तक का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हो। ये है IAS के टॉपर्स नोट्स, इनके बारे में भी आपको जानकारी हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। ये जितनी भी पुस्तक है सब हिंदी मीडियम के लिए और इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है। कला एवं संस्कृति दृष्टि IAS के ये जो बुक है इसमें भी क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं वो जानकारी आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप अगर भारतीय इतिहास कला एवं संस्कृति से संबंधित MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दृष्टि IAS के यहाँ पर 2300+ महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं, उनको यहाँ पर देख सकते हो। किरण पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, विश्व का इतिहास, ये है साथियों महेश कुमार वर्णवाल की NCERT सार, इसको भी आप पढ़ सकते हो। किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए साथियों महेश कुमार वर्णवाल NCERT सार ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्यारी और विश्वसनीय गाइड है। विपिन चंद्र आधुनिक भारत का इतिहास, इसका रिव्यू देखने के लिए भी आप प्ले लिस्ट विजिट कीजिए। ये है स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है साथियों। इनको पढ़ने के बाद में आप किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। राजस्थान के इतिहास से संबंधित ये साथियों डॉक्टर हुकुम जैन नारायण लाल माली, ये है साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड। और एक और महत्वपूर्ण गाइड है राजस्थान का इतिहास, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की, बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड। और एक है ये साथियों IAS के टॉपर्स नोट्स, इन सब के बारे में साथियों महत्वपूर्ण जानकारी आपको मेरे इस चैनल के अगर प्ले लिस्ट में विजिट करेंगे तो प्रत्येक पुस्तक के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। अब साथियों मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, जो ये नोट्स है इनमें आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको दो ऐसी महत्वपूर्ण रामबाण पुस्तक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले साथियों इसमें आप प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसमें पढ़ेंगे इतिहास पर मुगलों का प्रभाव, यानी जो भारतीय इतिहास है इस पर मुगलों का क्या प्रभाव रहा है वो जानकारी इसमें दी गई। इतिहास लेखन एवं दृष्टिकोण, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्याय के प्रमुख स्रोत, जिसके अंदर आप देखेंगे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण अच्छे से आसान भाषा में और सरल तरीके से इसमें बताया गया है। प्रागैतिहासिक और अध ऐतिहासिक काल के बारे में, पुरापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता जिसके अंदर साथियों उसकी उद्भव विशेषता और उसके स्वरूप पतन, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको इनके माध्यम से मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों आर्य संस्कृति और वैदिक काल के बारे में इसमें जानकारी आपको दी गई है। और उसके बाद में साथियों महाजनपद काल, महाजनपद काल को भी साथियों यहाँ पर विस्तार के साथ और अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद में साथियों आप थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण साम्राज्य जिसमें मगध साम्राज्य है, अवध साम्राज्य है,
और सिकंदर का भारत में आक्रमण प्रभाव, उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है। अगर साथियों इन नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो साथियों अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो आप हमारी ऊर्जा के स्रोत हो जो इस वक्त वीडियो देख रहे हो। अगर आप लाइक करते हैं तो साथियों उससे हमें मोटिवेट होते हैं हम, मोटिवेशन हमें आपके लाइक से, आपके शेयर से, आज के सब्सक्राइब से मिलता है। उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे मौर्य काल, जिसके अंदर इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है, जिसमें साथियों अशोक और अशोक की महानता और उसके साम्राज्य का पतन और साम्राज्य का विस्तार, इन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से दी गई है इन नोट्स के माध्यम से। मौर्योत्तर काल, जिसके अंदर आर्थिक सामाजिक विशेषताओं को इसमें समझाया गया है। गुप्त काल, जिसके अंदर साथियों प्रमुख जो शासक है उनके कार्य और उनकी कार्यशैली, उनकी प्रशासन व्यवस्था, वो पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद में साथियों आप थोड़ा और आगे चलते हैं तो गुप्तोत्तर काल आता है, जिसके अंदर हर्षवर्धन, हैनसंग का विवरण मिलेगा, समाज, धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। और उसके बाद में साथियों आरंभिक जो भारतीय संस्कृति है, प्राचीन भारत में विकास, भाषा, साहित्य, स्थापत्य कला, विज्ञान और तकनीकी का विकास उस समय कैसे हुआ था, वो पूरी जानकारी मिलेगी। शिक्षा और दर्शन का विकास, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद साथियों थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आप तो दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का नाम लेते ही साथियों एक तो आता है संगम वंश, दूसरा क्या आता है साथियों आपको पता है पल्लव वंश, चोल और महापाषाण, इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। और बाकी साथियों आपको पता है दक्षिण भारत में आप विजयनगर साम्राज्य को कैसे भूल सकते हो, उसके बारे में भी जानकारी इसमें दी गई है विस्तार से। तो आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो साथियों अभी भी अगर लाइक नहीं किया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। ये है रामबाण पुस्तक जो मैं आपको बताने वाला था, दिशा पब्लिकेशन की, 10,000+ महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं। और इसमें सबसे खासियत ये है इस पुस्तक की कि प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार से बताया गया है, उसका राइट आंसर बताया गया है और तीन ऑप्शन जो गलत है वो गलत क्यों है उनको भी इसमें विस्तार के साथ बताया गया है। ये दोस्तों 2021 का लेटेस्ट वर्जन है दिशा पब्लिकेशन का, 10,000+ महत्वपूर्ण MCQs। इसमें प्रैक्टिस करने के बाद आप ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी या फिर किसी भी प्रकार की जॉब हासिल करना चाहते हो तो वो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको मिल सकती है। और ये जो IAS टॉपर्स नोट्स है इनका रिव्यू देखने के लिए भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। एक और रामबाण पुस्तक साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण है, सामान्य दिन जनरल स्टडी के लिए साथियों, ये GS पेपर 1 के लिए मनोहर पांडे 2021 लेटेस्ट वर्जन है। अब जो लेटेस्ट वर्जन आता है साथियों उसके अंदर जितने भी संशोधन होते हैं इंडियन पॉलिटी में, संविधान में जो भी संशोधन होते हैं या कोई भी परिवर्तन होता है उसको इन पुस्तकों में जो नए वाले होती है अपडेट करके लिख दिया जाता है। इसलिए साथियों इस प्रकार की पुस्तक का रिव्यू भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, उनको भी ज़रूर देख लीजिए। अब साथियों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अब साथियों सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप ल्यूसेंट आप में से कौन कौन पढ़ता है या फिर किसके पास है। और ये है सामान्य ज्ञान की विवाह पुस्तक, इनके बारे में भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जितनी भी पुस्तक मैंने दिखाई सभी इतिहास से संबंधित है, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, आधुनिक भारत का इतिहास हो या फिर आधुनिक विश्व का इतिहास हो, कला एवं संस्कृति ये भी इतिहास का ही पार्ट है। अब साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दूसरे भाई बहन जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, नई आशा की किरण के साथ, नए जोश के साथ। तब तक साथियों आप पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।